स्टूडेंट्स, बात करते हैं वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो दो मेथड से करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मेथड है और एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि अगर हमने दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट लेना होगा, यानी कि ए वेक्टर है अगर मेरे पास और उसका मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम स्टूडेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं और डॉट के लिए हम डॉट का साइन डालते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो अगर मैंने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो हमारे पास क्या है, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है, जो कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट में कहलाता है, ठीक। अब इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास विजुअली जो है ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसकी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, यानी कि वैक्टर्स को बनाने की कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये फॉर एग्जाम्पल एक वैक्टर ए है, ये मेरे पास ए वैक्टर हो गया स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास एक वैक्टर है जो कि बी वैक्टर, जिसको मैंने बी वैक्टर कहा है, ठीक। अब ए और बी वैक्टर के दरमियान जो स्टूडेंट्स एंगल लाए कर रहा है, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने ये देखना है कि ये जो फॉर्मूला जो कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा है, इसमें ये जो टर्म आ रही है हमारे पास साइन थीटा की, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसके लिए, इसको समझने के लिए अगर मैं थोड़ी सी मतलब रिवाइज करें हम लोग डॉट प्रोडक्ट का, तो हम डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या पढ़ा था कि ए डॉट बी जो होता है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा होता है, और उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं आती, और एन हैट जो है वो बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम देखें तो इसमें जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास बी कॉज ऑफ थीटा की जो टर्म है, या फिर आप इसको ए कॉज ऑफ थीटा की टर्म भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। और प्रोजेक्शन का क्या मतलब था कि यानी कि एक एक जो है वेक्टर है उसका दूसरे ऊपर क्या साया पड़ रहा है, ठीक है। प्रोजेक्शन यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो है, एक ए का प्रोजेक्शन बी पे जो पड़ता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बी कॉज ऑफ थीटा। यानी कि हमने देखा था कि ए वेक्टर कितना, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करके दिखाऊं आपको स्टूडेंट्स, कि यानी कि जो बी कॉज ऑफ थीटा का मतलब क्या है हमारे पास, कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे कितना पड़ रहा है, यानी कि वो कितना बी वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, या जिससे हमने कंपोनेंट यानी कि ए कॉज ऑफ थीटा कहा था, यानी कि ए कॉज ऑफ थीटा की हमारे पास वो टर्म बनती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो के बी वेक्टर के अलोंग है। इसी तरह आप इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर आप कहें कि बी वेक्टर के अलोंग मतलब बी वेक्टर का कंपोनेंट जो कि ए वेक्टर के अलोंग है, वो हमारे पास क्या होगा, ए कॉज ऑफ थीटा होगा, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी जो है वो हमारे पास बी डॉट ए के बराबर आता है, इस वजह से, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें हमारे पास जो टर्म आ जाती है b साइन ऑफ थीटा की, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट मीनिंग रखती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसका जो है वो ये देखूं कि मेरे पास इसमें अगर हम देखें a साइन ऑफ थीटा की जो टर्म आ जाती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या टर्म, उसका क्या मीनिंग आ जाता है, ठीक है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैं a क्रॉस b देखती हूँ स्टूडेंट्स, तो a क्रॉस b में मेरे पास a कॉज ऑफ थीटा वो कंपोनेंट था a वेक्टर का जो कि b वेक्टर के अलोंग है, और इसका एक जो दूसरा सेकेंड कंपोनेंट है, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो कि हम जानते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये a साइन ऑफ थीटा की हमारे पास टर्म आ गई, यानी कि a साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसके साथ मैग्नीट्यूड डाल देती हूँ कि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, और उसके लिए मैंने दोनों साइडों पे क्या डाल दिया, बार डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ a साइन ऑफ थीटा जो टर्म है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास वो टर्म है जो कि b वेक्टर के ऊपर क्या, कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि जब हम एक वैक्टर के देखते हैं कि हमारे पास उसका कौन सा पार्ट, ठीक है, एक वैक्टर का कौन सा पार्ट जो कि दूसरे वैक्टर पे परपेंडिकुलर लाई करता है, यानी कि उसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, वो टर्म हमारे पास कॉज ऑफ थीटा में आती है, वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। वो हमारे पास किस में आती है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट में आती है, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में लेते हैं, ठीक है। और इस चीज की अगर फिजिकल मीनिंग्स देखें, तो वो किस तरह से इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई, तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो टॉर्क होता है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो होता है एफ क्रॉस डी, यानी कि आप फोर्स को
मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, और ये डिस्प्लेसमेंट होती है ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसे आप मोमेंट आर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक 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 जो है फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट कर रहा है जो कि टॉर्क कहलाती है, और ये क्वांटिटी जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर लाइ करती है एफ और डी के, जिसकी वजह से ये क्रॉस प्रोडक्ट्स की जो है ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें नजर आई है फिजिक्स में, और हमने इसको जो है वो स्टडी किया है, ठीक। अब अगर हम इस ये एन हैट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो एन हैट है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है यूनिट यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर जो है उसकी अगर खसूसियत देखी जाए तो हमारे पास क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास 1 होता है, और इसकी जो डायरेक्शन है यानी कि ये हमारे पास बेसिकली एक एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अब राइट हैंड रूल के जरिए जो है हम वो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। अब उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ कि इसकी डायरेक्शन हम किस तरह से राइट हैंड रूल के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें गौर से तो आपको राइट हैंड दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, जिसमें आपकी जो पॉइंटर वाली फिंगर है जो कि पॉइंटर जिसे हम कहते हैं वो एक एक वेक्टर यानी कि ए वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रही है, और आपकी जो मिडल फिंगर है वो बी वेक्टर की तरफ पॉइंटर कर रही है, और जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी यानी कि जो आपका थंब होगा वो पॉइंट आउट करेगा एन हैट की डायरेक्शन में, जो कि हमारे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है हमारे पास यानी कि ए क्रॉस बी, ए और बी के दरमियान जो वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी, और आपकी जो दूसरी बाकी फिंगर्स हैं यानी कि रिंग फिंगर और पिंकी जो है वो आपकी क्लोज होंगी। तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल है जिसके जरिए जो है हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, और एन हैट से उसे हम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड रूल हो गया। अब अगर एक और प्रॉपर्टी जो कि हम इस केस में देखते हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, ठीक है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो है ये मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। और इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, वो हमारे पास क्या आती है एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि अगर हम दो वेक्टर्स के दरमियान जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके उनका जो रिजल्टेंट आता है वो एक नंबर आता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन इसका ऑपोजिट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट के केस में हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास उनका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आती है वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटीज की जहां बात आती है स्टूडेंट्स तो हमारी डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की हमारे पास क्या डायरेक्शन होगी तो उसके लिए मैं यही वाले वेक्टर जो है यहां दोबारा ड्रॉ करती हूं। ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया स्टूडेंट्स और ये मेरे पास वेक्टर बी है। अब अगर हम देखें कि ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, और अगर मैंने फॉर एग्जांपल बी क्रॉस ए देखना है तो मैं क्या करूंगी कि बी वेक्टर को कर्ल करूंगी ए वेक्टर के अलोंग बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा यानी कि वो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा यानी कि हमारे पास एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा बोथ ए और बी के, तो वो हमारे पास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए, ठीक है। अब बी क्रॉस ए, अब यहाँ अगर मैं देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक प्लेन है जो कि एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर अगर मेरे पास ये वेक्टर्स लाए करें यानी कि ए और बी वेक्टर्स जो हैं वो मेरे जो हैं वो ए एक्स और वाई प्लेन के अंदर लाए करें तो मेरे पास जो बी क्रॉस ए होगा स्टूडेंट्स वो जी एक्सिस के लॉन्ग जो है वो लाए कर होगा यानी कि जी एक्सिस के लॉन्ग जो है उसकी जो डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास जी प्लेन में लाए करी होगी, ठीक है। अब ये चीज जो है यानी कि क्योंकि हम लोगों के पास जो ये स्क्रीन है या फिर पेज जो होता है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास टू डायमेंशनल पेज होता है और हमारे लिए जो है वो थ्री डायमेंशनल जो वेक्टर है उसको दिखाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो है फिजिक्स में नोटेशंस यूज करते हैं, एक सर्कल के अंदर क्रॉस डाल देते हैं जो कि हमारे पास शो करा होता है इनटू द पेज, ठीक है, और हमारे पास जो अगर मैं सर्कल के अंदर डॉट डाल देती हूँ तो मेरे पास ये रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ द पेज।
अच्छा आउट ऑफ द पेज या फिर इन टू द पेज की जो ये नोटेशन है ये स्टूडेंट्स हमारे जस्ट सिंप्लीफिकेशन या फिर सिंबल्स के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ अगर मैंने अब इसके ऑपोजिट अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स यानी कि बी क्रॉस ए देखूँ तो वो मेरे पास कौन सा वैक्टर आएगा, मेरे पास ये वाला वैक्टर आएगा जो कि मेरे पास क्या शो कर रहा होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, ये मेरे पास ए क्रॉस बी शो कर रहा होगा। अब यहाँ अगर हम देखें कि हमारे पास जो बी क्रॉस ए है स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या शो कर रहा है कि ये मेरे पास जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो मेरे पास आउट ऑफ द पेज निकल रही है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास इन टू द पेज निकल रही है यानी कि ये पेज के अंदर जा रहा है और इसकी जो है हम इस तरह क्रॉस के सर्कल के अंदर जो है वो क्रॉस डाल के डिनोट करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो है वो ए क्रॉस बी जो है यानी कि यहाँ अगर मैं लिखूँ ए क्रॉस बी जो है वो मेरे पास उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है बी क्रॉस ए के, जिसकी वजह से मैं यहाँ एक नेगेटिव साइन डालती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ बी क्रॉस ए, जिससे मुझे ये पता चलता है कि इनकी जो डायरेक्शंस यानी कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शंस जो है वो टोटली ऑपोजिट है, ठीक। और ये हमारे पास जो है ये हमें शो करता है कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि हमने देखा था कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर रही थी यानी कि ए डॉट बी जो है वहाँ पर बी डॉट ए के बराबर आता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं करती और ये जो है ये यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है बल्कि उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है जिससे जो कि डायरेक्शन के ऑपोजिट की वजह से हमारे पास यहाँ आ रहा होता है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट।